हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सैनिक क्लासेस। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सैनिक क्लासेस। जो भी स्टूडेंट सैनिक स्कूल का टारगेट रखते हैं, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का लक्ष्य रखते हैं, वो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन, यानी कि इसको हिंदी में बोला जाता है सरलीकरण, यानी कि बोडमास नियम पर आधारित यह कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा, जो कि हर साल एवरी ईयर क्वेश्चंस 4 से 5 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, जो कि इसका वेटेज बहुत ही ज़्यादा है। इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से सवाल को सॉल्व करेंगे। मैं आपको इस पर आधारित रूल बताऊंगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। यह जो रूल आप सीखेंगे, इसकी सहायता से यदि आप सीख लेते हैं तो सिंप्लीफिकेशन का चांसेस जो होगा 100% सही होगा, एक्यूरेट होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले रूल क्या है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, बोडमास का रूल यह कहता है, बोडमास का रूल यह कहता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि आपको स्क्रीन पर यह दिख रहा होगा। ठीक, बी ओ डी एम ए एस। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, यानी कि कोष्टक। यहाँ पर कोष्टक में इसको स्मॉल ब्रैकेट बोल सकते हैं, इसको कर्ली ब्रैकेट बोल सकते हैं, इसको बिग ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, आपको समझने के लिए मैं इसको और आसान भाषा में बता देता हूँ। इसको स्मॉल ब्रैकेट बोलेंगे, इसको मिडल ब्रैकेट बोल सकते हैं, इसको बिग ब्रैकेट। ठीक है, अब सही। चलो, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जहाँ पर आपको ऑफ दिख जाए तो समझ लीजिए वहां पर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। डी का मतलब होता है डिवीजन, यानी कि भाग। आपका सिंबल यह इस प्रकार से मिल सकता है। ठीक है, एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, यानी कि गुणा। ठीक है, ए का मतलब होता है एडिशन, यानी कि जोड़। एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटाना। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको मिल सकता है। ठीक, ओके। तो देखिए, सबसे पहले जो आपका ऑर्डर दिया रहेगा, यदि आपका ब्रैकेट दिया रहेगा, तो सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट में किसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आपको ब्रेक करना पड़ेगा छोटे वाले ब्रैकेट को, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद बिग ब्रैकेट को। ठीक है, उसके बाद अब यदि ऑफ लिखा है क्वेश्चन में, तो अब ऑफ वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद आप डिवीजन को सॉल्व करेंगे, तब मल्टीप्लिकेशन को, तब एडिशन को, तब सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस इस पर बेस्ड हम लोग ले लेते हैं, जिससे आपको इस रूल से कनेक्ट करने में हमें बहुत ही आसानी होगी और आपको भी समझने में बहुत ही आसानी लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 4 ब्रैकेट में 5 - 3 + 6 + 7। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ब्रैकेट दिख रहा है, तो ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो आपको स्मॉल ब्रैकेट दिख भी रहा होगा। ठीक है, हाँ जी, तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस को सबसे पहले लिख लेते हैं, 4 ब्रैकेट में 5 - 3 + 6 (7). अब इसका हम लोग सलूशन करते हैं। ठीक है, इसका अब हम लोग सलूशन करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे, तो 4, ठीक है, ब्रैकेट को हटाने पर हमारा क्या बचेगा। देखिए, ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं दिया गया है, यहाँ पर कोई साइन नहीं दिया गया, तो हम लोग मल्टीप्लाई का साइन लेते हैं। गुणा छिपा रहता है, मल्टीप्लाई हिडन होता है। ठीक है, ओके, यहाँ पर मल्टीप्लाई हिडेन होता है। ओके, हाँ जी, चलिए। तो अब देखिए, छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो इसके अंदर, अब ब्रैकेट के अंदर देखिए, साइन बोर्ड मास BODMAS, तो आपको ब्रैकेट के अंदर कौन सा साइन दिख रहा है, प्लस का और माइनस का साइन दिख रहा है, तो सबसे पहले एडिशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, तब उसके बाद सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे। ठीक है,
तो फाइव, देखिए इसके आगे यदि कोई साइन नहीं लगा है तो आप प्लस कंसीडर करेंगे, तो 5 + 6 कितना हो जाएगा, 5 + 6 कितना हो जाएगा, 11, और 11 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करिए, बताइए 11 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 8 हो गया प्लस 7 हो गया प्लस 7। ठीक है, अब इसके बाद आपको सिंपल फॉर्म में हो गया, तो सबसे पहले अब क्या करेंगे, यहाँ पर किस चीज का साइन दिख रहा है, मल्टीप्लीकेशन का और एडिशन का, तो सबसे पहले आप मल्टीप्लीकेशन करिए, तो 8 4 जा 32 + 7। ठीक है, उसके बाद अब क्या दिख रहा है, अब आपको पास एडिशन दिख रहा है, तो 32 + 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 39, जो कि यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इस पर। अब यहाँ पर आपके सभी ब्रैकेट का क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सभी ब्रैकेट के क्वेश्चन मिल रहे हैं साहब। ठीक है, तो क्वेश्चन को लिखते हैं, बड़ा ब्रैकेट है, फिर स्मॉल ब्रैक करली ब्रैकेट है, फिर 5 है, स्मॉल ब्रैकेट 6 - 4, ब्रैकेट क्लोज -5 + 6, ब्रैकेट क्लोज 10, बिग ब्रैकेट क्लोज। ये है आपके पास क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट को तोड़ेंगे। स्मॉल ब्रैकेट कौन सा है, आपका ये वाला पोर्शन है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं, जो जैसे है उसे लिखेंगे। ठीक है, 5 + स्मॉल ब्रैकेट को तोड़ने पर कितना आ जाएगा, 6 - 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो गया, -5 + 6 ब्रैकेट क्लोज प्लस, नॉट प्लस, इट इज 10। ओके, अगेन उसके बाद अब आप क्या कर लेंगे, कर्ली ब्रैकेट को तोड़ेंगे यानी कि छोटा करेंगे। इसके अंदर जितने भी होंगे क्वांटिटी, जितने नंबर होंगे, आपको उसको सॉल्व करना होगा, तोड़ने का मतलब यह है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें प्लस माइनस दिख रहा है तो क्या करना होगा, आपको सबसे पहले एडिशन वालों को सॉल्व करेंगे। ठीक, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो 5 - 2 कितना हो जाएगा, 5 - 2 = 7, 7 और 6 कितना हो जाएगा, बताइए 7 - 6 कितना हो जाएगा, 13, 13 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करिए कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, 8। ओके, उसके बाद देखिए, इसको तोड़ने पर हमारा 8 आया है, उसके बाद यहाँ पर 10 का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, 80 आंसर हो गया, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस एक और ले लेते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चंस को देखकर घबराना नहीं है, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चंस आपको इसी टाइप के एग्जाम में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या है, 4 + 3 - 2 - 4 (12 - 10) ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट बिग ब्रैकेट। ठीक है, हाँ जी, तो सबसे पहले हम लोग, हमारा अप्रोच यही रहेगा कि सबसे पहले हम लोग छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, 12 में से 10 गया यानी कि 2। ठीक है, तो 4 + 3 बिग ब्रैकेट 2 - curly bracket 4 × 3 - इसको सॉल्व करने पर कितना आया, 2 आया। ठीक, ओके, उसके बाद फिर से अब हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर हैं इसे सॉल्व करेंगे, 4 + 3 बिग ब्रैकेट 2 - curly bracket के अंदर क्या है, मल्टीप्लाई है और माइनस का साइन है, तो सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे तब सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो 4 × 3 = 12, 12 - 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा।
ठीक, ओके। अब क्या बचा हमारे पास, बिग ब्रैकेट। अब हमारे पास क्या बचा, बिग ब्रैकेट। तो 2 में से 10 गया, कितना हो जाएगा, 8 हुआ। लेकिन साइन किसकी बड़ी है, 10 की बड़ी है, इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस लगा देंगे। कैसे माइनस आया, देखिए 2 में से -10 को घटाना है, तो बताइए घटेगा कि नहीं घटेगा, ये पहले ये बताइए, घटेगा। तो देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 8 आ गया। लेकिन अब इसमें देखना है 2 नंबर बड़ा है कि 10 नंबर बड़ा है, 10 नंबर बड़ा है, तो इसके आगे कौन सी साइन लगी है, माइनस की, तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस साइन लगा रहे हैं। ठीक, चलो जी, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद क्या करेंगे बताओ भाई, अब उसके बाद क्या कर सकते हैं। बिग ब्रैकेट तो हमारा सॉल्व हो गया, ठीक, उसके बाद और क्या कर सकते हैं साहब बताइए। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 4। अब 8 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -k24। -k24 प्लस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -20, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 12 होल 1/5 डिवाइडेड बाई 6 होल 1/10। ये भी क्वेश्चन आपके सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2013 में यह आया हुआ है, 2013 में यह क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, किया जाए इसको भी। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को लिख लेते हैं, 12 होल 1/5 डिवाइडेड बाई 6 होल 1/10 है। तो सबसे पहले हम लोग इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लेते हैं, सिंपल फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। ठीक है, तो 12 में 12 में 5 का मल्टीप्लाई करिए, 12 5 जा बताइए 60, 60 में +1 कर दीजिए, यानी कि 61/5 डिवाइडेड बाई 10 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60, 60 +1 61/5 हो गया। यह चाहे यह लिखिए चाहे यह लिखिए, बात एक ही है, लेकिन हमें यदि मिक्स्ड फ्रैक्शन में रहता तो हम जल्द से जल्द सॉल्यूशन नहीं कर पाते, यही सिंपल फॉर्म में कर कर अब सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए 61/5 जब यह डिवाइड का साइन है, जब यह मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा तो यह न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा और डिनोमिनेटर के स्थान पर न्यूमरेटर चला जाएगा, यानी कि अंश हर में चला जाएगा और हर अंश में बदल जाता है। तो 61/5 लिखा गया है तो यह क्या हो जाएगा, 5/61 हो जाएगा। तो देखिए 61 से 61 ये कैंसिल हो गया और 5 से ये कैंसिल हो गया, यानी कि आंसर इसका 1 आ रहा है। इसका आंसर व्हाट्स गोन रॉन्ग मैन। सॉरी 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 सॉरी, इट इज गिवन दैट। ओके ओके, वेरी गुड। देखिए यहां पर मिस्टेक हुआ, कहां पर, देखिए 10 छक्का 60, 60 61 बटा कितना हो जाएगा, 10 होगा ना, यहां पर 5 कहां से होगा, 61 बटा 10। ओके वेरी गुड, यानी कि 61/10 हो गया। ओके, एक बार फिर से इसको कर लेते हैं, देखिए 12 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 60 +1 यानी कि 61/5 डिवाइडेड बाई 61/10 हो जाएगा। ठीक है, जब यह डिवाइड है, जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 61/5 into 10/61 हो जाएगा। 61 से यह 61 कैंसिल हो गया, अब 5 2 जा 10, यानी कि इसका आंसर 2 आएगा।
ठीक है, अब सही है। ठीक, अब सही आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक, तो 14 प्लस लिखा गया है, फोर्टीन फोर्टीन प्लस 8 माइनस 2 इंटू 3। तो बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जितने भी आपके नंबर हैं उसको छोटे से छोटे रूप में करिए। तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा साहब, 14 प्लस 8 माइनस कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6। ठीक है, और 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 और प्लस 14 यानी कि 16 आंसर आएगा। देखिए यहाँ पर इसका सोल्यूशन बहुत ही विधिवत तरीके से लगाया गया है, इसलिए देखिए। ठीक, इसलिए इसका आंसर 16 होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 10 माइनस 2 होल 1 बाई 3 इंटू 3 प्लस 3 होल 3 बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 होल 1 बाई 2। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अब साथ ही साथ मेरे साथ आप भी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो 10 माइनस, देखिए जब यह 2 होल 1 बाई 3 है तो इसको सिंपल सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 यानी कि 7, 7 अपॉन में 3 इंटू 3 प्लस 4 3 जा 12, 12 3 15 बाई 4, 15 बाई 4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 1 इज 5 यानी कि 5 अपॉन में 2। इतना क्लियर है। चलिए तो 10 माइनस, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा यानी कि 7 प्लस 15 बाई 4 मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो यह कन्वर्ट हो जाएगा, इतना भाग यह चेंज हो जाएगा, ऊपर का नीचे चला जाएगा तो 2 बाई 5 हो गया। 5 3 जा 15, 2 2 जा 4 यानी कि 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 प्लस 3 होल 3 बाई 2 हो जाएगा, 3 बाई 2 हो गया यानी कि कितना हो जाएगा बताइए। इसका जब एलसीएम लेंगे तो 2 होगा। ठीक है, तो 3 2 जा 6 प्लस 3 यानी कि 9 बाई 2, 9 बाई 2 यानी कि कितना हो जाएगा बताइए, बताइए साहब, सही कर रहे हैं ना। चलिए तो यहां पर कितना हो जाएगा, 4 होल 1 बाई 2 आंसर आएगा, 4 होल 1 बाई 2 इसका आंसर आएगा। क्लियरिटी के साथ और देख लीजिए। ठीक है, 4 होल 1 बाई 2 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द वैल्यू 1 होल 1 बाई 2 प्लस 2 होल 2 बाई 3 माइनस 1 बाई 6। इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 1 जा 2 प्लस 1 यानी कि 3 बाई 2 प्लस 3 2 जा 6, 2 8 बाई 3 माइनस 1 बाई 6 हो गया। इसका एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, 2 में 6 का डिवाइड करिए, 3 टाइम्स गया, 3 3 जा 3 में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद 3 2 जा 6, 2 में 8 का मल्टीप्लाई करिए माइनस 6, ये तो 6 है। ठीक है, ये तो 1 टाइम्स जाएगा साहब ना, 1 इंटू 1। 3 3 जा 9, 8 2 जा 16 माइनस 1 अपान में 6। ठीक, ओके, तो कितना हो जाएगा बताइए, यानी कि 9 6 15 यानी कि 25 माइनस 1 बटा में 6 यानी कि 24 बटा में 6। तो
तो 6 4 24 जो कि आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही है, आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या है सही है। तो मैं आशा करता हूं कि अब आपका डाउट बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा, अब आप फ्री हो गए हैं, अब आप अपने किताब से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, जो भी डाउट है आप मेरे से बेधड़क पूछ सकते हैं। मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उस पर मेरे से क्वेश्चंस कोई भी किसी प्रकार की एनी क्वेरी हो आप मेरे से डायरेक्टली मैसेज के रूप में पूछ सकते हैं। चलिए तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर से मुलाकात होगी, हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।